हेलो, क्लास 8 के इंग्लिश ग्रामर है आपका। ठीक है, ग्रामर में देखते हैं कौन सा पहले चैप्टर कौन सा है। डिटरमाइंस। ठीक है, डिटरमाइंस जैसे बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, व्हाट आर डिटरमाइंस? डिटरमाइंस आर दोज वर्ड विच केम बिफोर नाउन। क्या होते हैं? एंड नाउन से पहले जो वर्ड आते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिटरमाइंस बोलते हैं। सो हाउ दे आर यूज, मतलब क्या होता है, नाउन को कैसे यूज करते हैं। दिस द यूज ऑफ नाउन इज नेसेसरी आफ्टर डिटरमाइनर। डिटरमाइनर के बाद में आपको क्या यूज करना है? नाउन यूज करना जरूरी है। समटाइम ए क्वालिफाइंग वर्ड में ऑल्सो कम एमोंग डिटरमाइनर एंड नाउन वर्ड्स। मतलब क्या होता है, क्वालिफायर वर्ड भी आते हैं। ये देखो, ए बॉय, ए गुड बॉय। देखो, देयर काइंड्स ऑफ डिटरमाइन। आर्टिकल डिटरमाइन के अंदर आते हैं ए, एन और द। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दिस दोस, ये सब कुछ। ओके, और पोसेसिव, माय और योर, हिज हेयर देयर इट्स। क्वांटिफायर्स, ए फ्यू ए लिटिल, मतलब कम ज़्यादा, इसे आप बोलते हैं ना, वो भी डिटरमाइंस के अंदर आते हैं। नंबर्स, वन, टेन, सम, मैनी। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव, या बहुत, हाफ, आइदर, मेजर, ईच, एवरी। ठीक है, पहले हम लोग बताते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल, ओके, सो आर्टिकल कैसे यू, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स इंग्लिश लैंग्वेज। दिस डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ओके, इन्फिनेट आर्टिकल्स, ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल को आपको द यूज करना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या होता है, इन्फिनेट आर्टिकल के बारे में बताते हैं। आ ए एंड एन यूज द इन्फिनेट आर्टिकल। दिस ऑफ द ए एंड एन बेसिकली रिलेटेड विद द साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। ए एंड एन क्या होते हैं? साउंड को डिपेंड करते हैं। मतलब क्या होता है, वोवल साउंड होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, ये साउंड को जैसे डिपेंड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, वोवल और कॉन्सोनेंट मैंने बता दिया आपको। ए मैन, ए बॉय, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, ए ओपन। ओके, यूरोपियन का ई आ गई, फिर भी क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखो, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के साउंड क्या होते हैं? यू साउंड आते हैं। कौन सा? हम लोग वाई यू आते हैं। ठीक है, कौन सा साउंड आता है? वाई यू, प्रोनाउंसिएशन में वाई यू आता है, इसलिए यूनिवर्सिटी के एंड यूनिवर्सिटी नहीं बोलते हैं। यूरोपियन, यूरोपियन की वाई यू साउंड आते हैं। ठीक है, वाई साउंड आते हैं, इसीलिए यूरोपियन। ए पेन, ए डॉग, यूजफुल। ओके, एन साउंड, एन साउंड यूज करना है। एन एप्पल, आ साउंड। ओके, एन आवर, आवर्स मतलब क्या होता है? आ साउंड। एन एम ए, एम ए मतलब क्या होता है? ए साउंड आगे। एन एग, एन हेयर, एयर। एन एम बी बी एस, एम साउंड आगे। एन एलिफेंट, एन ऑनरेबल, एच नहीं प्रोनाउंस नहीं होते, ऑनरेबल मैन। एन एम सी, देखो दिस इज कॉल्ड। ठीक है, यूज ऑफ एन। ओके, यूज ऑफ ए और एन। ओके, ये यूज करते हैं कैसे? काउंटेबल नाउन्स को। ओके, एंड ए सिंगुलर नाउन को, काउंटेबल और सिंगुलर नाउन को आप, हम लोग क्या यूज करते हैं? ये स्कूल, आई हैव ए बुक, बुक में काउंटेबल है। ठीक है, बिफोर सच ए सिंगुलर नाउन कॉम्प्लीमेंटेड। देखो, ये नियम से आपको सिक्स रूल्स आपको लिखना है, ए सेवन। ठीक है, सो इसके बाद में बताते हैं कैसे है। समझ में आ गया कैसे? ओके, सो बिफोर सच ए सिंगुलर नाउन कॉम्प्लीमेंट्स विच सिग्निफाई बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन को सिग्निफाई करते हैं, जैसे नर्स प्रोफेशन होते हैं, इंजीनियर प्रोफेशन होते हैं, डॉक्टर प्रोफेशन होते हैं, आर्टिक्स, मतलब क्या होता है, इसके अंदर ए और एन आपको यूज करना पड़ते हैं। और थर्ड है बिफोर एक्सप्रेशन और प्राइस, स्पीड। ओके, स्पीड, किलो, सिक्स टाइम्स अ डे, मतलब क्या, 80 रुपीज अ डजन, 20 किलोमीटर पर आवर, ये कहते हैं सब कुछ आपको
क्या करना चाहिए, ए और एन यूज करना चाहिए, ठीक है, बिफोर सिंगुलर आर काउंटेबल इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल को थोड़ा वाट ए फ्लावर, वाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें अंदर थोड़ा हम लोग इसके फ्लावर को थोड़ा तारीफ करते हैं। ओके, क्या है प्रति कलर, एक कलर वाट ए कलर बोल सकते हैं, वाट ए प्रति कलर मतलब क्या होता है, एक कलर को हम लोग थोड़ा तारीफ करते हैं। वाट ए कोल्ड डे, कोल्ड डे मतलब क्या होते हैं, वाट ए डे, तो वाट ए कोल्ड डे थोड़ा एक्सक्लेमेशन देते हैं, थोड़ा तारीफ करते हैं। ओके, अब्रेविएशन, अब्रेविएशन पहले बता दिया था मतलब क्या, कोई डिग्री है, थोड़ा फुल फॉर्म से, शॉर्ट फॉर्म से, ये सबको अब्रेविएशन बोलते हैं इसको बताने के लिए। और नेक्स्ट है आपका ये यूज्ड टू मिस्टर मिसेस सेम, ठीक है, ये 7 वर्ड्स आपको क्या करना है, होमवर्क में लिखना है, पीडीएफ भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है। यूज्ड टू बिफोर मिस्टर मिसेस, ए मिस्टर शर्मा, ए मिसेस, ओके, मिस्टर और मिसेस ऐड करने के लिए सरनेम के बाद में आपको ए और ए यूज़ करना ज़रूरत है। आज का इतना है, अगर नेक्स्ट वन यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।